नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां नाबार्ड द्वारा बैंकर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक द्वारा देवपुरा TFC होटल में बैंकर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि पुलिस उप अधीक्षक हेमंत लोहिया ने सरस्वती माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड राजकुमार व अग्रणी बैंक प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा घनश्याम मीना ने बैंकर सुविधाओं को लेकर कई तरह के सुझाव दिए। और जिस ब्रांच का वो टोटली आएगी सभी की, जिस ब्रांच की जिस बैंक की हो, वो अपने शॉर्ट बुकिंग कर ले और वो देखिए। अगर वो किसान सिटी में जाके मजदूरी कर रहा है, और दूसरी बात, मुझे आपके पास मैं बैंक समझना चाहता हूँ, बैंकर से अगर आप किसान को मैक्सिमम यहाँ पर किसान नहीं उसको यदि लोन नहीं देंगे तो किसको लोन दोगे? मतलब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है सिटी में। हमारे पास अब कोटा है, कोटा में आपके अलग अलग प्रकार के लोग हैं, स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। हमारे यहाँ की जेंट्री है, ज्यादातर फार्मर है, छोटे शॉपकीपर पे है, छोटे शॉपकीपर और जो जेंट हमारे लोग हैं, इनको आप क्या और आप मुझे बताओ आपकी ब्रांच की जाते हैं या हमारा मैन पावर कुछ बैंकों में मैन पावर पैसा लेवल नहीं करोगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आने वाले 5 सालों में सरकार चाहती है कि धीरे धीरे किसान जो है अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ संस्थाएं ऐसी आए वो संस्थाएं उनके लिए काम करें, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसका यही उद्देश्य है कि चाहे वो उसको खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, चाहे उसको अपना माल मंडी में बेचना है। हाँ सर, आज एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, इसके बारे में क्या संदेश है? आज बूंदी के अंदर हमने नाबार्ड की तरफ से बैंकर्स के लिए कार्यशाला रखी है। उस कार्यशाला का उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो नाबार्ड की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम है जो बैंकों के माध्यम से चलती है, उस स्कीम के बारे में जानकारी बैंकर्स तक पहुंचे और आम जनता को, किसानों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का मुनाफा हो। और क्या क्या जानकारी है? हमने बैंकर्स को बताया कि राज्य सरकार ने जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो पशुधन है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो हमारे FPOs हैं, सबके अंदर स्कीम चलाई है और उस स्कीम के माध्यम से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सरकारी योजनाओं तक जोड़ सकें और उनको इसका लाभ मिल सके, ऐसी हमारा एक प्रयास था। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी ज़्यादा चले, इसके लिए जागरूकता के लिए आपकी बात बिल्कुल सच है। आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, इसके लिए हमने जो हमारे यहाँ पर DSP साहब है हेमंत सर, उनको बुलाया था। उन्होंने अपना उद्बोधन में बताया किस प्रकार से फ्रॉड को रोका जा सकता है, यदि फ्रॉड हो जाए तो बैंकर्स को कैसे कंप्लेंट करनी है, इसके बारे में जानकारी दी गई। आपका नाम और पता? मेरा नाम राजकुमार है, मैं नाबार्ड का जिला विकास प्रबंधक हूँ और बूंदी जिले के अंदर में कार्यरत हूँ पिछले 2 सालों से। सर, नाबार्ड की तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, क्या कहना है आपका, क्या जानकारी है? इसमें आज ये कार्यशाला रखी गई है नाबार्ड की ओर से और ये बहुत ही सभी बैंकों के कोऑर्डिनेटर्स प्रेजेंट हैं और ये कार्यशाला सभी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें एग्रीकल्चर एडवांस कैसे बढ़ाया जा सकता या एग्रीकल्चर एडवांसेज में क्या क्या बेनिफिट हैं, किस तरह की हमें सब्सिडी मिलती है, किसको सब्सिडी मिलती है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है और इसका स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, तो ये सभी जानकारियाँ सभी कॉन्फिडेंस को नाबार्ड की तरफ से दी गई है जिसमें हम सभी ने आज हिस्सा लिया। आपका नाम और पता बता दो। हमारा मैं NTM ऑफिस से लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर घनश्याम मीना। इसमें हमारे ओर से भी जन सुनवाई और शिकायत निवारण का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के द्वारा हमने आम जन की शिकायतें सुनी जिसमें कई तरह की उनकी शिकायत होती है, जैसे बैंक में लेन देन का है, किसी को लोन नहीं देना वगैरह का, तो अगर ऐसी कोई शिकायत होती है इस शिकायत निवारण मीटिंग में हम उनका समय पर निवारण करते हैं।